ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर समस्या को हल करने का आसान तरीका बताया गया है। वहीं घर में मौजूद छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वहीं एक ऐसी चीज है जिसके दान से दुर्भाग्य आपका पीछा हमेशा के लिए छोड़ सकता है। जी हाँ, वो साधारण सी चीज है, काला तिल। ज्योतिष और तन शास्त्रों में इसे दुर्भाग्य दूर करने का साधन भी कहा गया है। आइए जानते हैं इस चीज से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी छोटे से छोटे काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप एक लोटे में शुद्ध जल भर लें और उसमें काले तिल डाल लें। अब इस जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। उसके बाद फूल और बिल्पत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं कुंडली में शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही हो तो किसी पवित्र नदी में हर शनिवार काले तिल को प्रवाहित करें। ऐसा करने से शनि के दोषों से आप मुक्त होंगे, साथ ही शनि का आप पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा राहु केतु वैसे तो एक प्रकार के छाया ग्रह होते हैं, लेकिन ये कुंडली में जिस घर में बैठ जाते हैं उसे अशुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। साथ ही राहु केतु के प्रभाव से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु केतु की शांति के लिए काले तिल का दान करना चाहिए। वही काल सर्प योग, साढ़े सती, ढैया, पितृदोष आदि में भी यह उपाय कारगर साबित होता है। इसके अलावा आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए हर शनिवार को काले तिल, काले उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। वहीं राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए मंदिर में काले तिल का दान करें। ऐसा करने से राहु केतु आप पर प्रसन्न होंगे, साथ ही आपको राहु केतु से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।